हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू। आज थर्सडे है एंड एक्चुअली ना ये रोड बहुत बिजी रहता है, पर सी आज एक भी कार नहीं है। लाइक कभी कभी एक दो कार जा रहे हैं। सिटी इज सो एम्प्टी। नहीं तो ये रोड थोड़ा बिजी रहता है सुबह के टाइम में। तो थैंक्सगिविंग के लाइक थर्सडे को ना बहुत कम लोग ही घर से निकलते हैं। ये हम लोगों को पहले पता नहीं था, फिर जब हम लोग आए ना नेक्स्ट ईयर हम लोगों को पता चला, क्योंकि लाइक सब लोग कोई किसी के घर में बुलाता है तो ही जाते हैं, नहीं तो सब लोग घर में ही रहते हैं लाइक विथ फैमिलीज। सब लोग घर में रहते हैं तो रास्ता में लाइक बिल्कुल भी कोई भी नहीं जाता है एंड मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज। लाइक आज शॉप्स ओपन होंगे फ्रॉम, अभी तो पहले तो इट यूज़ टू ओपन फ्रॉम नाइट 12, बट अभी तो बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल 9 बजे कोई कोई शॉप ओपन हो जाता है, बट सुबह में मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज। लाइक हम लोगों का क्लब भी आज सिर्फ फॉर 3 आवर्स ओपन है, नहीं तो कोई भी हॉलीडे रहता है ना तो हम लोगों का क्लब इज़ वन थिंग जो हर वक्त ओपन रहता है। तो चलो वेलकम टू माई किचन एंड अभी मुझे बनाना है मटन। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:30 एंड मुझे लगा चलो मैं पहले गोट करी बना लेती हूँ। ऐसा तो गोट इज ऑलमोस्ट 75% कुक, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड गोट करी में हम लोग हर वक्त आलू देते ही है, तो मैं अभी माइक्रोवेव में आलू बॉईल करने को दे दूंगी। इस तरीके से करेंगे ना तो अराउंड 3 मिनट्स में अच्छी तरीके से बॉयल हो जाता है। तो फर्स्ट आलू ऑलरेडी बॉयल हो चुका है तो फर्स्ट मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ एंड ग्रेवी के लिए जो मसाला एंड ऑल चाहिए वो मैंने कल ही रात को लाइक सब बना के रख दिया था एंड अभी मेरे हबी भी हेल्प कर रहे हैं। बट या जब भी आप ऐसा कुछ गोट थोड़ा बॉयल करके रखे ना तो सेपरेट द वाटर। एंड रेडी हो गया है गोट करी, इट इज लुकिंग क्वाइट नाइस। एंड आई फेल की टाइम है, मैं सैलड बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल मैं सैलड बना रही हूँ जस्ट विथ सम क्यूकम्बर एंड टमाटर। तो मैंने जल्दी जल्दी नहा भी लिया है एंड एक बार में मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं वही ड्रेस पहनती हूँ ना विच आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि काम तो करना ही है तो जो कंफर्टेबली हम काम कर सके। तो मैं रेडी होके आ गई एंड मैंने बहुत ही सिंपल पहना है एंड मटन जैसे कि मैं बोल रही थी कि 75% तो ऑलरेडी कुक्ड ही था तो इट वाज इजी टू डू एंड खाने में अच्छा हुआ है। लाइक मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ना सब लोग पूछ रहे थे, क्योंकि थैंक्सगिविंग यहाँ पे सब लोग करते हैं तो पूछ रहे थे ए थैंक्सगिविंग पे तुम लोग तरकी वर्की खा रहे हो क्या। तो मैं हमेशा लाइक नहीं, ये बंगाली थैंक्सगिविंग है, हम लोग गोट खाते हैं, लाइक गोट ही हम लोग का मेन होता है। तो अभी मैं जल्दी से मैं राइस कर लूंगी एंड द टाइम इज 11:11। फिर ये सब मुझे साफ करना है, लाइक बर्तन शायद उन्होंने निकाल के दे दिया है तो मैं बाकी बर्तन दे दूंगी एंड मैं यह राइस बनाना है एंड होपफुली राइस अच्छा से हो बिकॉज दैट इज ओनली द मेन थिंग, नहीं तो कैसे खाएंगे। तो अभी मैं राइस बिठाऊंगी। किचन थोड़ा साफ कर लूंगी एंड ऑलवेज ना किचन में एप्रन पहनिएगा। मैंने बहुत जन को देखा है कि किचन में एप्रन नहीं पहनते, उससे क्या होता है जो कपड़ा रहता है वो गंदा हो जाता है एंड अगर आप हर वक्त एक बार एप्रन पहनना स्टार्ट कर देंगे ना धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाएगा। लाइक आप बहुत ही कम मुझे देखेंगे कि मैं एप्रन नहीं पहनती हूँ एंड मैं बहुत ही एक सिंपल राइस बना रही हूँ, ये फ्राइड राइस स्टाइल में। लाइक इतना कुछ नहीं है, जस्ट आई हैव एडेड सम वेजेस, दैट्स इट।
तो यहाँ का मैंने लाइट चला दिया है, एंड ये भी अभी इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। एंड क्या, एंड राइस मैंने बिठा दिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आई मेक द स्प्रिंग रोल, धीरे धीरे करके मैं स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करूँगी, एंड आई सर्व इन दिस वन। अभी इसमें ना कास्ट आयरन में द गुड थिंग इज कि होने के बाद ना ये लाइक पूरा गर्म रहता है। कोई अब दूसरा कुछ में बनाए तो देखिएगा ठंडा हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। वही मुझे देखना है कि राइस अच्छा हो, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। एंड अभी मैं सब कुछ धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करती हूँ। तो फाइनली एवरीथिंग इज रेडी एंड मैंने पानी का जग भी भर के रख दिया है। एंड आप लोग बहुत जन बोल रहे थे पनीर का रेसिपी देने को, डेफिनेटली आई विल शेयर। बहुत टेस्टी हुआ था। एंड ये चटनी, तो राइस भी हो गया है, या इट्स परफेक्टली डन। क्योंकि राइस अच्छा ना हो तो खाने में कुछ भी मजा नहीं आता है। तरीके से बन चुका है। एंड ये बहुत सिंपल राइस है, लाइक इट्स नॉट लाइक फ्राइड राइस एंड ऑल। मैंने थोड़ा ऑयल दिया है एंड राइस, एंड आई हैव जस्ट एडेड सम पीस एंड कैरेट ताकि देखने में सुंदर लगे। नहीं तो राइस ऐसा कुछ स्पेशल बनाते हैं ना, क्योंकि सारे डिशेस आर लिटिल बिट रिच, एंड राइस भी अगर ज़्यादा रिच हो जाएगा ना तो खाने में लगता है कोई भी टेस्ट नहीं आता है। लाइक अब जो भी सब्जी खाए ना उसका टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। एंड मैंने वो लाइट भी चला दिया है तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। ऐसा एक्चुअली कोई बात नहीं है कि कोई जब आएगा यू हैव टू लाइक कीप रेडी एवरीथिंग। मेरी एक लाइक मेरे हबी के एक दोस्त की वाइफ है, लाइक उनके घर में जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी जाओ लाइक दैट टाइम ओनली चीज कुकिंग एंड ऑल, वो किचन में मुझे बैठने देती है और वो खाना पकाती रहती है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसमें भी एक बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। पर यू नो मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज हूँ, लाइक मैंने मेरे मम्मी को भी हमेशा देखा है कि कोई आए उससे पहले एवरीथिंग हम लोग सीखते हैं राइट, जैसे मम्मी को देखते हैं। तो मैंने हर वक्त देखा था कि मेरी मम्मी को ना कोई आए घर में उससे पहले एवरीथिंग इज टिप टॉप, सब कुछ रेडी है, तो वहां से मैंने सीखा है। तो राइस बहुत ही अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे बोलते हैं ना खिला खिला वैसा ही हुआ है। एंड अभी वो लोग आ ही जाएंगे, इट्स ओनली 15 मिनट्स। तो मुझे लगा चलो लेट मी मेक द स्प्रिंग रोल। एक्चुअली ये डेजर्ट सर्व करने के लिए है, पर कोई भी जब आता है ना मुझे इसमें स्टार्टर देना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ये स्टार्टर देने के लिए यूज करती हूँ। एंड क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ा तीखा खाना पसंद है, तो देयर इज वन सॉस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग को भी बहुत अच्छा लगा। ये भूत सॉस बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा तीखा होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा तीखा होता है खाने में। आप सबको दिखा देती हूँ, सी द लेवल ऑफ हीट इज 5 out of 5, एंड वो लोग को ये बहुत पसंद आया। तो फाइनली एवरीथिंग इज रेडी एंड मैंने ना स्प्रिंग रोल एंड ऑल भी बना के रख दिया है। मुझे लगा कि चलो, बिकॉज आफ्टर दैट इंसिडेंट ना टुडे इज द फर्स्ट टाइम कि घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो एक थोड़ा डर तो लगता ही है। देन आई थॉट क्यों फिर से, वाई टू रिपीट, मैं कुछ बिठाऊंगी फिर चली जाऊंगी फिर आऊंगी, इससे अच्छा है ना सब कुछ बना के रख दो तो थोड़ा चिल आउट भी रहेगा। एंड आई गॉट ऑल दिस प्लास्टिक ग्लासेस, तो बहुत ही ईजी होता है। नहीं तो मैंने देखा है ना ग्लासेस सबसे ज़्यादा लाइक क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा ग्लासेस में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आई गॉट ऑल दिस प्लास्टिक ग्लासेस। एंड आप लोग बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि पायल तुम प्लास्टिक रैक यूज़ करती हो, दोज आर कंपोजेबल की नहीं या रिसाइकिल तो करती
करती हूँ, पर सी दिस ऑल आर कंपोजेबल। तो अगर आप यहाँ रहते हैं डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस ब्रांड, ये बहुत ही अच्छा है। कभी अगर कभी भी ना मैं प्लास्टिक का कुछ लाती हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑफ दिस ब्रांड, लाइक कंपोजेबल। इवन कि मैं लाइक प्लेट्स भी जब लाती हूँ, लाइक दिस प्लेट्स आई डोंट नो क्योंकि इसमें थोड़ा डिजाइन बनाया हुआ है, बट जनरली इस कंपनी के सभी प्लेट्स एंड ऑल ना सब कुछ ही ऐसा लाइक प्लेन कलर के होते हैं, तो इट इज़ क्वाइट नाइस। इवन कि मेरा क्लीन रैप ऑल्सो इज अ कंपोजेबल, दिखा देती हूँ। सी दिस इज मेड आउट ऑफ, दिस इज ऑल्सो कंपोजेबल एंड ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरी तरह हो हु इज कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो यू कैन ट्राई दिस ब्रांड्स आर रियली गुड। इंडिया में मुझे पता नहीं बट हेयर दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे एज अ कंपनी ये सब सेल करते हैं। एंड क्या या एंड अभी मैं चिल आउट करती हूँ एंड लेट मी वेट फॉर देम टू कम। तो आज मैंने लाइक आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत ही चिल आउट रहूंगी एंड मैं जो ऐसा जल्दबाजी करती हूँ ना, आई वॉन्ट डू दैट। एंड बच्चों को हम लोगों ने किचन के डाइनिंग टेबल पे ही दे दिया क्योंकि ताकि वो लोग बाद में मस्ती कर सके। एंड बिकॉज ये डाइनिंग टेबल थोड़ा बड़ा है ना, तो राइस मैंने अलग लाइक दो डिफरेंट ट्रेज में सर्व किया ताकि इजी हो। एंड ये रही निवेदिता, अब मेनी ऑफ यू हैव सीन हर, माई स्कूल फ्रेंड। हाय निवेदिता बोल रही है क्या? एंड और एक खबर है कि निवेदिता और मैं हम दोनों अभी बन चुके हैं सास। रियली हम लोग ना अभी हम लोग दोनों बन चुके हैं सास क्योंकि हम लोग एक फ्रेंड का बेटा का शादी भी हो चुका है। राइट अभी पता नहीं उम्र क्या है, तो हम लोग ऐसे कम ही उम्र के हैं पर उसने जल्दी शादी किया। 17 इयर्स भी करो चलो ना, 17 इयर्स में भी शादी किया, फिर लड़का ने भी शायद जल्दी शादी कर दिया, पर हम दोनों बन चुके हैं सास। निवेदिता आई तो बहुत ही अच्छा लगा। निवेदिता गेव मी समथिंग क्योंकि वो देखती रहती है मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ एंड मेरे पास डेजर्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही ये है, तो उसने मुझे दे दिया ये, तभी आप लोग मुझे इसमें देखेंगे सर्व करते हुए। थैंक यू, नहीं तो मैं हर वक्त सेम चीज में सर्व करती हूँ ना, तभी मैं नया कुछ में सर्व करूंगी। तो देखा चलो सब समय मैं सेम में सर्व करती हूँ ना, तो नहीं मेरी बोले तुम हर वक्त सेम में सर्व करती हो। ठीक है ना, पावा जाना बोलते देखे ना सोई ना होम गुड्स थे ना, হ্যাঁ আমি হোম গুডস দেখতে ভুলে গেছি, স্বপনদা চলেও যাচ্ছে, আবার স্বপনদা যা সিরিয়াস। তো চলি আবি এ লোক যা রে, বাই বাই বলে দাও। এন্ড আপ লোক হর ওয়াক বলতে রহতে হ্যায় না কি পায়ল তুম ইতনা কাম করতে, ইউ শুড সি হার ওয়ার্কিং, শি ওয়েক্স আপ এট কয়টা সময় ওটা 5:30 এন্ড কয়টা কতগুলো টিফিন বক্স বানো, ফোর লাঞ্চ বক্স ও বানাতি হ্যায় ডেইলি। এন্ড শি এন্ড এসা নেই মেরা জেসা মেসি নেই হ্যায় উসকা ঘর, নিবেদিতা কা ঘর ইজ আর এভরিথিং ইজ সো ক্লিন, এখন তো পরিষ্কার, উসকো লাইক বহুত মেইনটেইন ট্রাই টু মেইনটেইন, উসকো লাইক বহুত ক্লিনিং কা বহুত এসা কিরা হ্যায় তো শি ইজ ভেরি নিট এন্ড ক্লিন। এক বার জব নিবেদিতা মুঝে বুলাই কে आज शनिवार है एंड मैंने व्लॉग थर्सडे स्टार्ट किया था एंड सॉरी फिर मैं एंड करना ही भूल गई क्योंकि कल तो हम लोग, मैं और राय हम लोग शॉपिंग करने गए थे फॉर ब्लैक फ्राइडे। लाइक मेरे हबी हम लोग को ड्रॉप करके आ गए थे, मैंने बोला कार पार्किंग का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तुम ड्रॉप करके आ जाओ एंड फिर तुम बाद में आना। तो वी वेंट एट 11 o'clock एंड हम लोग घर लौटे 4 बजे। इतना ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, इतना ही शॉपिंग किया, आई विल मैं दिखाऊंगी ब्लैक फ्राइडे हॉल में एल शेयर कि मैंने क्या क्या खरीदा। एंड कल जाके मैंने किचन विचन थोड़ा साफ किया लाइक बर्तन एंड ऑल जो था, बट डेफिनेटली जब भी ऐसा मैं किसी को बुलाती हूँ ना, आई थिंक सो पेपर प्लेट्स एंड ऑल आर वेरी हेल्पफुल, नहीं तो ग्लास एंड ऑल ऑल्सो आर वेरी हेल्पफुल। पर उस दिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि निवेदिता और मैं हम दोनों स्कूल की सहेलियाँ हैं ना, एंड अब देखेंगे स्कूल की सहेलियों के साथ लाइक एक अलग ही मज़ा आता है, तो बहुत सारे बातें होती है लाइक स्कूल टाइप, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने मिलकर बहुत मस्ती किया एंड यार लेट मी शो यू ऑल की उसने मुझे किया दिया, उस दिन तो मैंने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया, वेट में कैमरा रखती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर है, उस दिन आई डिन ओपन एंड शो यू ऑल, तो देखिए कितना सुंदर है ये देखने में।
तो आज से मुझे लाइक सीरियस काम पे लगना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ऑल दिस. मैंने राय को बोला, राय तुम हेल्प करके देना, ये सब निकालना है क्योंकि फॉल खत्म एंड कल हम लोग क्रिसमस के लिए डेकोरेट कर लेंगे. लाइक जाने से पहले मैं जैसे बोल रही थी मुझे क्रिसमस के लिए डेकोरेट करके जाना है, तो वाइल डेकोरेट फॉर क्रिसमस. एंड आज राय का वायलिन नहीं है तो एक एक्टिविटी नहीं है, वो एक अच्छा है. ओनली शी हैज कुमन तो वो जाएगी, पर कुमन ओनली आज के दिन शी कैन गो, क्योंकि दिसंबर से ना हम लोगों ने मना कर दिया, ऐसे हम लोग नहीं रहेंगे तो बेफालतू में क्यों फीस पे करना. तो दिसंबर वो नहीं जाएगी, तो मंडे से वो नहीं जाएगी. तो चलो जाने से पहले उसको थोड़ा तो रिलीफ हो जाएगा कि वन एक्टिविटी इज नॉट देयर. एंड राय बोल रही है ना, मम्मी मैं जब इंडिया जाऊंगी आई वॉन्ट टेक ऑल द, क्योंकि कुमन से ना वो लोग दे गिव यू लाइक जो जो रहता है पढ़ाई वो लोग सब दे देते हैं क्योंकि तुम प्रैक्टिस करो, विच इज़ अ गुड थिंग. लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे ना, दैट टाइम दे गेव सो मेनी थिंग्स. तो राय इंडिया जाके भी शी डिड ऑल द मैथ्स इंग्लिश एंड ऑल जो अच्छा है. तो देखते हैं इस बार. मैंने मेरे हबी को बोला है थोड़ा तो लेके जाएंगे, नहीं तो वो क्या करेगी, पढ़ाई तो करना ही है, राइट. तो वो हम लोग करेंगे. तो चलो विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो. आई होप सो आप सबका थैंक्स गिविंग बहुत ही अच्छा गया होगा. यू ऑल ऑल्सो मस्ट हैव एंजॉयड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड अभी तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. लाइक दिस वीक मेरा बहुत सारा काम है, वही मैं अपने हबी को भी सुबह बोल रही थी कि लिस्ट बनाना है लाइक क्या क्या सामान हम लोगों को लेके जाना है, स्पेशली मेडिसिन एंड ऑल दोज ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो आई विल मीट यू ऑल विथ ए न्यू वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मेरा ब्लैक फ्राइडे का हॉल का वीडियो कि मैंने क्या क्या खरीदा है. आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू. तो इस वीडियो को एक लाइक एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो बाय बाय.